our last video, we have started complex number. So we saw what is complex number, how to find out the imaginary, what is imaginary unit, and how to find out the I to the power n. Okay, and we also saw the properties of complex number and what is complex number and how to find out the real part and imaginary part of complex number. And what is zero complex number, what is conjugate of a complex number, and we also saw the conjugate, the properties of conjugate. Okay, so there are three properties of conjugate, and then after that arithmetic, algebra of complex number we also saw, that is addition of complex number, addition properties of addition, and subtraction of a complex number. These are five properties of addition. And then after that, what we did, multiplication also, and and we did subtraction also. Yeah, subtraction and multiplication with a scalar number. Okay, multiplication of a complex number by a scalar. Okay, and then we did one sum. Okay, so we can say that when we are multiplying z1 and z2 or any two complex number, what value we are getting? A plus b i and c plus d i d है, तो उसके लिए what value we are getting? A c minus b d. okay okay so what we are doing, basically जो complex numbers हैं, जो real real we are multiplying, and imaginary imaginary जो है minus के साथ we have to multiply. तो remember this, how to remember this? A c minus b d. okay, A c minus b d, and then रियल को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट एवर वी आर गेटिंग दैट शुड बी इन द इमेजिनरी पार्ट. सो ए डी प्लस बी सी. ओके, सो हाउ वी आर नाउ बेस्ड ऑन, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन इज रियल, रियल ऑफ जेड वन, रियल ऑफ जेड टू, एंड दिस वन माइनस लगाकर, देन इमेजिनरी ऑफ जेड वन, इमेजिनरी ऑफ जेड टू. ओके, री एंड दिस इज वॉट रियल ऑफ जेड वन, एक का रियल, दूसरे का इमेजिनरी, एक का इमेजिनरी, दूसरे का रियल. ओके, दिस वे यू हैव टू रिमेंबर ए सी माइनस बी डी एंड प्लस आई ए डी प्लस बी सी. ओके, सो वील डू वन सम बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर गिवेन, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. सो जेड वन इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, एंड जेड टू इज इक्वल टू थ्री माइनस टू आई. ओके, सो यहाँ पे क्या है, जेड माइनस टू है ना, तो दिस डी इज इक्वल टू माइनस टू, नॉट टू. ओके, सो जेड वन जेड टू विल बी इक्वल टू, सी यहाँ पे ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू थ्री, सी इज इक्वल टू थ्री, एंड डी इज इक्वल टू माइनस टू है. ओके, सो वॉट इज द वैल्यू? ए सी माइनस बी डी प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी. ओके, सो ए इंटू सी टू इंटू थ्री विल बी सिक्स, माइनस बी डी थ्री इंटू माइनस टू विल बी माइनस सिक्स, एंड सो माइनस सिक्स एंड प्लस, माइनस इज देयर, सो माइनस माइनस प्लस सिक्स. ओके, प्लस आई इंटू ए डी, ए इंटू डी, माइनस टू इंटू टू विल बी माइनस फोर, एंड बी सी, सो बी इंटू सी विल बी थ्री इंटू थ्री, नाइन. सो 12 प्लस आई 5, सो दिस विल बी द वैल्यू. ओके, नाउ विल सी मल्टीप्लीकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो मल्टीप्लीकेशन के क्या प्रॉपर्टीज है? इफ वी हैव थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन जेड टू जेड थ्री, देन फर्स्ट वन जेड वन इंटू जेड टू विल बी इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन. ओके, सेकेंड Z1 into Z2 into Z3 will be equal to, Z1 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, तो Z2 into, there will be no change when we are multiplying, there will be no change. Okay, and और क्या है, Z1 में when we are multiplying by 1 we'll get Z1 only. Okay, and fourth Z into Z bar, that will be a real number. Okay, z into z bar will be a real number. How? We'll take one example. If 3 plus 4 i 4, okay, z ka value hai. Okay, so z bar ka value kya hoga? 3 minus i 4.
ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जेड इंटू जेड बार का वैल्यू क्या होगा, ए सी डेट इज 9 माइनस बी डी. तो दिस इज ऑलरेडी माइनस है, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 ओके इंटू या दिस इज ब्रैकेट में लेंगे. देन आई का वैल्यू, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई, 3 इंटू माइनस 4 ऑन 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 विल बी 12 एंड 3 इंटू माइनस 4 विल बी माइनस 12 ओके. सो माइनस 12 एंड 12 तो कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट वैल्यू विल बी गेटिंग, जेड इंटू जेड बार विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 विल बी 25 प्लस आई 0, तो देर विल बी नो आई. सो दैट्स वाई जेड इंटू जेड बार इज रियल नंबर ओके. और क्या कर सकते हैं, एंड वन मोर थिंग इज देयर, जेड इंटू जेड ओके जेड वन इंटू जेड टू बार विल बी इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार ओके. सो दिस ऑल्सो वी कैन सी, क्या कर सकते हैं हम, वी कैन टेक वन एग्जाम्पल, या दिस एग्जाम्पल हम लेते हैं एंड ओके दिस एग्जाम्पल इफ ओके सी विल टेक दिस वन. If we have the value, if z1 is equal to 2 plus 3i, z2 is equal to 3 minus 2i, and z1, z2 is equal to 12 plus i 5, okay? So, हमें इसका conjugate निकालना है, तो z1, z2 का bar will be equal to 12 minus i 5, okay? ठीक है? Now, अब हम इन दोनों का कंजुगेट लेते हैं, सो इन दोनों का कंजुगेट विल बी, z1 का कंजुगेट विल बी 2 माइनस i 3 एंड z2 का कंजुगेट विल बी 3 प्लस 2i. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड वी हैव टू चेक वेदर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू और नॉट. तो z1 बार इंटू z2 बार विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3i इंटू 3 प्लस 2i, तो इट विल बी 2 इंटू 3 6 एंड माइनस 3 इंटू 2 विल बी माइनस 6 एंड ऑलरेडी माइनस इज देयर, यहाँ पे माइनस होगा बिकॉज i मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 6 ठीक है एंड देन प्लस i इंटू ए डी दैट इज 4 इंटू बी सी, तो दैट विल बी माइनस 3 इंटू 3 9 ओके. सो 12 और ये होगा माइनस आई 5, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू और नॉट. सो दीज टू वैल्यूज आर सेम, इट मीन z1 z2 का बार विल बी इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार ठीक है. सो दिस इज वेरीफाइड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिवीजन. So once we have done with the multiplication, okay, we'll do one sum. Okay, if z is equal to a plus ib, and z into z bar will be equal to a square plus b square, होगा ना? Because a z one z into z bar, okay, that will be equal to a square plus b square. कैसे? बिकॉज वॉट एवर वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर जेड इन टू जेड बार, 3 का स्क्वायर विल बी 9, 4 का स्क्वायर विल बी 16, 3 प्लस 4 का स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर ओके. सो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर, जेड इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस आई बी देन जेड इन टू जेड बार विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके. नाउ इफ आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 एंड आई स्क्वायर देन स्क्वायर आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस 1, I to the power 4 is equal to 1. So what will be the value of I to the power 100? Okay. So I to the power 100 means I to the power 4 into 25. Okay. So I to the power 4 ka power 25 ka matlab 1 ka power 25. 1 ka power 25 will be 1. Okay. So we can generalize this. I का पावर 4 n है अगर, तो दैट विल बी 1. अगर I का पावर 4 n प्लस 1 है, दैट विल बी I
आई का पावर अगर 4n+2 है देन इट विल बी -1 एंड आई का पावर इज 4n+3 देन इट विल बी -i. ओके, सो दिस जनरलाइजेशन वी शुड रिमेंबर ऑलवेज. देन आफ्टर दैट वी कैन डू डिवीजन. ओके, नाउ वी कैन डू डिवीजन इफ वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू a+ib एंड z2 इज इक्वल टू c+id. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड z1 अपॉन z2 अगर हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट विल द वैल्यू, a+ib डिवाइडेड बाय c+id. बट हाउ कैन वी डिवाइड इफ अगर नीचे जो है इन डिनोमिनेटर इफ वी हैव अ वैल्यू दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हाउ वी कैन डिवाइड इट. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसे वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द रियल नंबर. सो हाउ वी कैन डू, बिकॉज वी नो दैट z into z bar is equal to a real number, that is not a complex number. So, हम denominator को we have to convert, तो denominator का conjugate will multiply with, we'll multiply the conjugate of denominator in numerator and denominator both. तो there will be no change. अगर same number we are multiplying in the denominator, वही number से अगर हम numerator को भी multiply करेंगे, so there will be no change. So, a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी है तो क्या होगा, जनरली ए सी प्लस बी डी होता, ए सी माइनस बी डी होता था, सो दिस विल बी ए सी प्लस बी डी वाई, बिकॉज माइनस आई इंटू आई विल बी आई टू द पावर 4, मतलब 1. ओके, प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी, ओके, डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर. ओके, तो सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर हम लेंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. सो जेड वन का अपॉन जेड टू का वैल्यू क्या होगा, तो रियल पार्ट विल बी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इज द रियल पार्ट, प्लस आई इन टू बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस t square. Okay, so this will be the real part and this will be the imaginary part. Okay, now we'll do, I hope you understood the concept, now we'll do sums based on this concept. Okay, so we'll do some examples, then it will be more clear. Okay, so we have a question. If z1 is equal to 3+2i and z2 is equal to 1+i, then what will be the value of z1 upon z2? We have to write z1 upon z2 in the term of, in the form of a+ib. Okay, so what we have to do, first of all, z1 upon z2 will be equal to 3+2i divided by 1+i. Okay, so this will be equal to, what we will do, we will multiply by the conjugate of 1+i. So conjugate of 1+i will be 1 minus i. Now we have to multiply. So 3 into 1 will be 3 and 2 into minus 1 will be 2 into minus 1 will be minus 2 and i square hai, toh wo minus minus plus ho jayega, toh 2. Plus I into 3, 2 into 1 will be 2 and 3 into minus 1 will be minus 3 divided by 1 ka square plus I 1 ka square. Okay, so it will be 3+2, 5 minus I, 2 minus 3 will be minus 1 and minus 1 into I will be minus I, so it will be 1 ka square plus 1 ka square will be 2. So it will be 5 upon 2 minus I 1 upon 2. So z1 upon z2 will be equal to 5 upon 2 minus I 1 upon 2. Yeah, I upon 2b we can write. Okay, so we can write I upon 2. Okay, so this will be the value. Now
next question, one more question we'll do. If we have a question given 1 + 2i into -2 + i, okay, and we have to write it in the form of a + ib, okay. So how we'll do this? So it will write, okay, so we have will multiply this. So 1 into minus 2 will be 1 into minus 2 minus 2 into 1, okay, plus I into 1 into I, that will be 1, plus 2 into minus 2, 2 into minus 2, okay. So this will be minus 2 minus 2 plus I into 1 minus 4, okay. So because 2 into minus 2 will be minus 4. So minus 4 plus I into minus 3. So this will be equal to minus 4 minus 3i, okay. So we have to write it in the form of a + ib. It means a is equal to minus 4 and b is equal to minus 3, okay. Next, one more question we'll do. If we have question given 1 + 2i into 1 + 3i into 2 + i to the power minus 1, okay. So what we have to do, we have to write it in the term of a + ib, okay. So this will be equal to, this is minus 1 power hai, matlab wo denominator mein ja sakta hai. So 1 + 2i into 1 + 3i divided by 2 + i, okay. So 2 + i hai, so we can write 2 - i and 2 - i, theek hai. So now we'll multiply this, so it will be, after multiplying this we'll get 1 + 3i + 2i + 6i² okay, for this one, for this part, and into 2 - i, okay, divided by 2 ka square + 1 ka square, okay, 2 ka square + 1 ka square, okay. So it will be, now for this one we'll get 5i and 1 - 6, so -5 + 5i we'll get for this one, okay. And now what we'll do, now we'll multiply this 2 - i se hum multiply karenge, divided by 2 ka square will be 4 and 1 ka square will be 1. So now we'll get, after multiplying this we'll get -10 + 5i + 10i - 5i² divided by 4 + 1 = 5, okay. So it will be -5, because ye 5i² will be -5 - 5 + 5 - 10 will be -5, and then +15i / 5. We take 5 common, so we'll get -1 + 3i and divided by 1, kyunki 5 humne le liya na. So it is in the form of a + ib, okay. I hope you understood the concept. I hope you understood the sums. For any query, any doubt, please comment. Do like, share and subscribe my channel. And don't forget to click on the bell icon. Thank you.